एसडीएस पेज सोडियम डोडिसिल सल्फेट पॉलिया्राइलमाइट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बात करें क्या है एस डी एस पेज ये एक प्रकार के ऐसा मेथड है जिससे कि हम प्रोटीन की मिक्सचर को सेपरेट कर पाए अकॉर्डिंग टू दियर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद हम मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर मॉलिकुलरवेट एंड ऑल्सो बेस्ड ऑन देयर चार्ज इन अदर एस्पेक्ट्स Why SDS page is used? क्यों use किया जाता है टू एस्टिमेट द रिलेटिव साइज ऑफ प्रोटीन के एक मिक्सचर में अलग अलग प्रोटीन मौजूद है तो उसमें कुछ बड़ा साइज का प्रोटीन होगा कुछ छोटे साइज के प्रोटीन होंगे तो मिक्सर में से हमें पता चलेगा कि कौन से प्रोटीन यहां पर बड़ा साइज का है कौन से छोटे साइज का है एस डी एस पॉलिक्रेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसको एस डी एस पेज कहा जाता है बहुत ही पावरफुल टूल है जो प्रोटीन को रिजोल्व करता है अकॉर्डिंग टू इट्स मॉलिकुलर वेट ठीक है क्योंकि प्रोटीन डिफर करता है साइज में शेप में चार्ज में अब प्रोटीन सैंपल को पहले डिनेचर किया जाता है विद एनायोनिक डिटर्जेंट ठीक है जो एस डी एस बोल के आता है सोडियम डोडिसिल सल्फेट इसको यूज करके प्रोटीन को डिनेचर किया गया अब जब डिनेचर हो जाता है फिर उस सैंपल को हीट किया जाता है इस डी मॉलिक्यूल बाइंड करता है प्रोटीन के साथ और वो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर उसको अनफोल्ड करने में मदद करता है यही काम है एस डी एस मॉलिक्यूल का तो जब भी बाइंड करेगा प्रोटीन को अनफोल्ड कर देगा और नेगेटिव चार्ज बना देगा तो जो भी प्रोटीन है यहां पे जितना भी ग्लोबुलर प्रोटीन है वो लीनियर हो चुका है उसमें नेगेटिव चार्ज आ चुका है ठीक है चार्ज इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि प्रोटीन मूव कर पाए जब हम वो नेगेटिव चार्ज होगा तो हम पॉजिटिव चार्ज कहीं पर लगाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ वो मूव करेगा इसीलिए चार्ज दिया जाता है इफ अ प्रोटीन अगर प्रोटीन सेवरल सब यूनिट से बना हुआ होता है तो एस नॉट ओनली अनफोल्ड देम बट वो वो अलग अलग सब यूनिट को भी डिसोसिएट कर देता है तो यहाँ पे देखो दो अलग सब यूनिट था उसको डिसोसिएट कर दिया एस डी एस ने रेड और येलो अलग अलग हो गया ठीक है तो ये सारी चीज एस डी एस करता है फिर ये जो मिक्सचर होता है डी नेचर की इसको ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम ट्यूब और उसको लोड किया जाता है इन ए पॉली एक्राइल जेल जेल बनाया जाता है ये जेल है देखो नॉर्मल जेल जैसा दिखता है ऐसे ही अब उसमें वेल्स हैं वेल्स के अंदर उसको लोड किया जाएगा ठीक है नेगेटिवली चार्ज वो पॉलीपेप्टाइड अब माइग्रेशन स्टार्ट करेगा कब फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रेड कलर का इलेक्ट्रोड यहाँ पे पॉजिटिव है और ब्लू कलर का यहाँ पे नेगेटिव है तो ब्लू से रेड की तरफ क्योंकि चार्ज प्रोटीन्स का नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दैट मीन्स रेड कलर की इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेगा और माइग्रेशन के तौर पे आप देखें तो जो छोटे साइज की प्रोटीन है वो सबसे जल्दी माइग्रेट करेगा दूर तक जाएगा फिर सबसे बड़ा लेंथ का जो प्रोटीन वो नजदीक ही रहेगा वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा ठीक है क्योंकि वो नेटवर्क ऐसे ही बना हुआ है पोर साइज के ऊपर वो डिपेंड करता है ठीक है तो पॉली पेप्टाइड जो है सिमिलर चार्ज टू मास रेशियो अगर किसी का होता है मास और चार्ज रेशियो तो वो एक ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ठीक है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल हम प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हैं लो मॉलिकुलर वेट वाला जो प्रोटीन है वो जल्दी दूर तक जाएगा और हाई मोलिकुलर वेट वाला जो प्रोटीन है वो नजदीकी रहेगा कम दूर तक जाएगा एप्लीकेशन ऑफ एस डी एस पेज देखो प्रोटीन प्योरिफिकेशन में इसका एप्लीकेशन होता है मिक्सचर ऑफ प्रोटीन में से किसी एक प्रकार के प्रोटीन को सिलेक्ट करना शिनाख्त करना उसके लिए यूज किया जाता है और प्रोटीन्स की मॉलिकुलर वेट डिटर्मिन करने के लिए भी ये एस डी एस पेज को इस्तेमाल किया जाता है अब एडवांटेजेस ऑफ एस डी एस पेज रिलेटिवली सिंपल प्रोसेस है और बहुत सालों से चलता आ रहा है इनएक्सपेंसिव है और बहुत ही अच्छा रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है रेजोल्यूशन मतलब आ, इसका एबिलिटी जिस एबिलिटी के साथ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन में से आ, कुछ प्रोटीन को ये अलग कर पाए टारगेट प्रोटीन्स को ये अलग कर पाए बेस्ड ऑन साइज तो वो चीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं डिजडवाटेज ओनली प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द साइज प्रोटीन के साइज़ के बारे में ही ये सिर्फ हमको इन्फॉर्मेशन दे पाता है प्रोटीन की फंक्शन और एक्टिविटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन या जानकारी एस डी एस पेज से नहीं मिलता उसके लिए अलग टेक्निक है मगर एस डी एस पेज प्रोटीन की साइज के बारे में जानकारी देने में काफ़ी हद तक मददगार है